सुनिए, जो मैं आपसे कहीं तनहा मिलना चाहता हूँ। जरूर, रात के ठीक 11 बजे होटल के पीछे मैं आपका इंतजार करूंगी। दुर्गा, दुर्गा, हाँ, अरे, दुर्गा, कहाँ हो तुम दुर्गा? जब मिलने के लिए आ ही गई हो तो शर्माना कैसा? आ जाओ। देखो मेरी खुली बाहें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आओ। मुझे माफ कर दो गमा। ओह, आई एम सॉरी। बैल पिता, बैल पिता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, अरे अरे क्या फंस गए? अरे 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 अबे हंस क्या रहा है? अच्छा मुझे यहां लटका के हंस रहा है? लगता है यही सोना पड़ेगा मुझको। अरे मेरी दुर्गा, दिखाई नहीं देता। तू चुप बैठ बुद्धू, ज्यादा होशियारी मत दिखा। मैं बुद्धू? आया ना मजा? और मजा चखाते इन लड़कियों को।
यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। क्यों? जब मैंने कहा था तो बुद्धू कहकर खामोश कर दिया। अब देख लिया ना अपनी होशियारी का नतीजा। ओफो, तुम लोग झगड़ा क्यों करती हो? चलो वापस चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? ये डर किस चिड़िया का नाम है? देखा सरदार, इन लड़कियों का हौसला देखा? ये आपसे पूछने की जुर्रत कर रही है कि कौन है आप? जिसके नाम से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में डर की लहर दौड़ जाती है। तुम नादान उसी डाकू घमासान से पूछ रही हो कि कौन है आप? डाकू घमासान जी, जिनके सर पर 2 लाख का इनाम है। 2 लाख? नहीं 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 नहीं, 2 लाख तो कल था, आज 5 लाख है। अरे सरकार ने सरदार के सर के साथ साथ उनके पैर की भी कीमत लगा दी है। लेकिन तुम हमसे क्या चाहते हो? अरे हम वही चाहते हैं जो सरदार चाहते हैं, और सरदार चाहते हैं कि तुम गाना गाओ। अरे हमारे सरदार को फिल्मी सरदार की तरह गाने का बहुत शौक है, और खासकर नाचने के साथ, और खासकर वो गाना, मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए। नाचो, गाओ, गाओ, नाचो। हमारे आने की खुशी में यहाँ तो पहले से जश्न मनाया जा रहा है। समा के साथ साथ सामान भी मौजूद है। रुक क्यों गई? नाचो गाओ, हमारे सरदार को नाच गाना बहुत पसंद है। तुम्हारे सरदार को? हाँ हाँ, हमारे सरदार को पहचानती नहीं ने? यही है वो डाकू घमासान जिनके नाम से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में डर की लहर दौड़ जाती है। इस इलाके में क्या हर डाकू का नाम घमासान है? इसका नाम घमासान है, इसका नाम भी घमासान है, अभी और कितने घमासान आने वाले हैं? क्यों बे, अपने आप को घमासान बताता है? कौन है तू? अच्छा अब समझी मैं, तो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। आपकी असली तारीफ? खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। मैं ठाकुर दिग्विजय सिंह की इकलौती बेटी हूँ। अगर उन्हें खबर हो गई कि तुमने उनकी लाडली के साथ क्या सुलूक किया है, तो वो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे कि जिंदगी भर तुम्हारी ये दाढ़ी मूछ नहीं उगेगी। अच्छा, तो तुम दिग्विजय सिंह की इकलौती बेटी हो? फिर तो वो अपनी लाडली की कीमत 5 लाख रुपया आराम से देंगे। क्या मतलब? मतलब अभी समझ में आ जाएगा। छोड़ दे मुझे,